हमेशा यही बोलेंगे कि इतना टेस्टी और यूनिक फ्लेवर बिल्कुल ही यूनिक है। बात सारी यह है कि इसमें डलती वही चीज़ है, लेकिन बनाने का ही तरीका कुछ ऐसा है। टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल मज़ेदार आता है। हेलो दोस्तों, मैं राज कुकिंग रेसिपी हिंदी में फिर मॉडर्न से टाइम्स में आपके लिए लाए हैं। आज चिकन बिहारी, बिहारी चिकन मसाला। देखिए, सबसे पहले हम चिकन को एक पतीले में डाल के उसमें हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो इसकी गंदगी है, जो भी है, इसको अच्छे से वाश कर लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, हमारी कढ़ाई चढ़ चुकी है। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी दिखाएंगे। 100 ml हमारा सरसों का तेल। और ये देखिए, जब बाजार तक हमारा चिकन की धुलाई कर देते हैं, अच्छे से वाश कर देते हैं, और इसको छन्नी में छान लेंगे। देखिए, आपको दिखा देते हैं, पूरी एथेंटिक रेसिपी है, जो बहुत ही यूनिक रेसिपी और फ्लेवरफुल, बिल्कुल आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए, और ये देखिए, 1 किलो चिकन है, हमने छन्नी में छान लिया। और ये देखिए, जो हमने पूरा चिकन एक अच्छे से वाश कर लिया, आप देख सकते हो। और देखिए, हमारा जो खड़ा मसाला, सबसे पहले वो डालेंगे इसमें, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा, लौंग और जायफल। जायफल को बाद में डालेंगे, जायफल और जावित्री, दालचीनी, काली मिर्च और तेज पत्ता हम पहले डालेंगे। उसके बाद जो हमारा प्याज एकदम रैपली फाइनली लंबे लंबे काट रखा है, और उसको डालेंगे, देख सकते हो। और हमने 6 प्याज काट रखे हैं, और देख सकते हो आप, मीडियम और लंबे लंबे। और इसको अच्छे से मिलाएंगे। और 2 लहसुन, लहसुन हमने क्या पूरे था सबके दो पास? अच्छा, उसको घर का नहीं पेस्ट जा रहा। बना रखा है, क्यों और देखो, लहसुन एग्जाम पेस्ट सामने भी है है तो हमारे पास, लहसुन अदरक का। कोई दूसरा देखिए, इसमें चिकन का मीडियम पूरा स्वाद आएगा, जिससे कि आप बहुत ही शानदार। और देखिए दोस्तों, प्याज की ओके। अच्छी से भुनाई करनी है। प्याज का रंग एकदम सुनहरा सुनहरा और ब्राउन आना है। इसके बाद जो अच्छे से पका, अच्छे से पकाना है दोस्तों। और देखिए, फिर देखिए आप, प्याज देखिए पूरा ब्राउननेस आती हुई, आप देख सकते हो बिल्कुल कलर एकदम। और दोस्तों, जो हमारे मसाले बिल्कुल एथेंटिक, देख सकते हो व्यूअर, जो बिहारी चिकन हम आज बना रहे हैं, वो बिल्कुल भट्टी में बना रहे हैं दोस्तों, चूल्हे में, बिल्कुल बिहारी स्टाइल में। और इस रेसिपी का एक अलग ही यूनिक, अलग ही फ्लेवर है दोस्तों, आप देख सकते हो। और देखिए, प्याज को आप ब्राउन करते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, आप हमारी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं, घर में यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन अच्छे से दबा दें, ताकि जो राज बोरा राज कुकिंग रेसिपीज की अगली रेसिपी है, आप तक पहुंच सके। और देखिए, हमने जिंजर गार्लिक और हरी मिर्ची का जो पेस्ट बनाया था, इसको अच्छे से मिलाना है, ताकि सारा जो मसाला है अच्छे से मिक्स हो जाए, पूरा ब्राउननेस देख सकते हो, प्याज का एकदम ब्राउन कलर आ रहा है दोस्तों। और जो हमारा चिकन है, वो इसमें से पानी भी एकदम सूख गया है। अब हम चिकन डालेंगे, देख सकते हो, इसमें हमने हल्दी, देगी मिर्ची और नमक डाला था, तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से पकाएंगे इसको। करछी से 5 से 6 मिनट चलाएंगे, ताकि जो हमारा चिकन है एकदम सॉफ्टनेस आए दोस्तों, पूरा जो कढ़ाई का फ्लेवर आए, आप देख सकते हो। एक कलछी से चलाते रहे, ताकि जो हमारा चिकन, ये देखिए, बहुत ही अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। और इसमें देखिए, हम एक पैकेट चिकन मसाला का भी डालेंगे, जो हमने मसाले भिगा रखे हैं, जो मसाले हमने बना रखे हैं, देखिए वो डालेंगे। और ढक्कन भी लगाएंगे इसमें 5 से 7 मिनट के लिए, आप देख सकते हो। जो हमारा आज बिहारी चिकन बन रहा है, बिहारी चिकन बहुत ही शानदार रेसिपी है। देखिए, आज ये यूनिक, हमने नया यूनिक और नए तरीके से बना रहे हैं, आप देख सकते हो। बिल्कुल कढ़ाई में फुल आयरन मिलेगा आपको दोस्तों। और देखिए, इसमें अगर नीचे लगे तो हल्के पानी के छींटे मारते रहे। ये देखिए, हमारा मसाला है, जो हल्दी, मिर्ची, देगी मिर्च, नमक, और नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें दोस्तों। और ये देखिए, हमारा जो चिकन मसाला है, और धनिया और गरम मसाला तो हमने पहले ही डाल रखा है, आप देख सकते हो। और लास्ट में हम जो डालेंगे, जावित्री और जायफल, जो हमने कद्दूकस कर रखा है, उसको डालेंगे एकदम लास्ट में दोस्तों। देख सकते हो हमारी रेसिपी, जो यूनिक टेस्ट आएगा, जो फ्लेवरफुल आएगा इसका, देखिए, जो बहुत ही शानदार रेसिपी है हमारी आज की, बिहारी चिकन, जो एक मज़ेदार रेसिपी है, आप देख सकते हो।
और इसमें हमने कढ़ाई का यूज किया है और पूरा जिंजर गार्लिक पेस्ट है। और जो हमने वॉइस दी है वो खुद की वॉइस सेट कर रखी है, और जो हमारा कैमरा हो एकदम फ्रंट वाला देख सकते हैं, और कुकिंग का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो है 15 साल का, और देख सकते हो जो हमारा डेली का नाइफ यूज होता है उससे हमने कटिंग कर रखी है, और इसमें लगेंगे हमारे प्रिपरेशन में 30 मिनट लगेंगे दोस्तों। और हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि राज कुकिंग रेसिपीज की अगली रेसिपी आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ जो हमारी रेसिपी है दोस्तों, देखिए इसमें एक्स्ट्रा मसाले जो हमने यूज किए थे, देख सकते हो चिकन का कलर और टेस्ट, जो 10 मिनट बाद देखा हमने चिकन का कलर कुछ और ही है देखिए। और टोटल जो हमने टाइम लिया इसमें आधा घंटा लगा दोस्तों हमारे को रेसिपी को पूरा एकदम तैयार करने में, देख सकते हो। और चिकन का टेस्ट जो इसका जो मेन बेस है, हम आपको बता देते, सरसों का तेल है और लहसुन है और प्याज, जो इसका मेन बेस है बिहारी चिकन का, पूरा जो बेस है प्याज और सरसों का तेल और लहसुन का जो फ्लेवर दे रखा हमने बहुत ही शानदार, ये देख सकते हो। पानी के हल्के छींटे डालने दोस्तों, क्योंकि पानी इसमें डालना नहीं, उसी मसाले में पकाना, जो यूनिक टेस्ट है और फ्लेवर है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी रेसिपी का इंतजार है, धन्यवाद दोस्तों।